जय मां शारदे। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। जैसा कि 12th के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव, उसी तरह से आपको प्रत्येक चैप्टर का मैं वीडियो बना के दे रहा हूं। आज का क्लास है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 3 डायमेंशनल सर क्या होता है। देखिए, यह आपका सबसे पहले समझ लीजिए मूल बिंदु है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 0, वह 3 गो 0, 4 गो नहीं, 3 गो 0 याद रखिएगा 3 डायमेंशनल में। और इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और इसे कहा जाता है वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ आई कैप लगता है हमेशा, यह ध्यान रखना होगा। एक्स एक्सिस के साथ आई कैप लगता है, वाई एक्सिस के साथ जे कैप लगता है, जेड एक्सिस के साथ के कैप लगता है। थ्री डायमेंशनल का कोई भी पॉइंट है तो पहले ऐसा होगा एक्स वाई जेड के फॉर्म में। कोई भी पॉइंट सबसे पहले लिखने सीख लीजिए। थ्री डायमेंशनल का कोई भी पॉइंट है तो वह किस फॉर्म में होगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। देखिए एक्स वाई जेड, यदि आप इसे वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखा करते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के और जेड के कैप। ये आप लोगों को हम समझाए थे कि 3 डायमेंशनल का कोई पॉइंट है वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ये सर आई कैप जे कैप लग जाएगा और क्या हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और जेड के कैप। लिखने सीख गए सबसे पहले आप लोग कि किस तरह सर लिखना है। इसके आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव जो आता है वहां बिहार बोर्ड में। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु का निर्देशांक, यह पूरा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन वहां मिलेगा, ऑप्शन देख के आपको वहां क्लिक करना है। मूल बिंदु का निर्देशांक देखिए क्या होता है, अभी बताए थे ना 0 0 0, वह 000 होगा। आप 2 जीरो नहीं लिखिएगा तो ऑप्शन में देखना है वहां कहां पर 3 जीरो है। मूल बिंदु का निर्देशांक यदि पूछा क्वेश्चन में, यह आपका क्या हो गया, देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक्स अक्ष की दिक खोजिए। एक्स अक्ष की दिक खोजिए कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक्स का जो होगा एक्स एक्सिस का है, जिस एक्सिस का कहेगा तो उसका वैल्यू 1 लेना है। जिस एक्सिस का कहेगा उसका वैल्यू 1 लेना है। और दूसरा क्या हो जाएगा, जिस एक्सिस का नहीं कहेगा, देखिए क्वेश्चन ही बताया था ना एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स अक्ष का कहेगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, और देखिए वाई जेड क्या हो गया 0। ये हमेशा ध्यान में याद रखना है आप लोगों को, जिस एक्सिस का कहेगा उसका वैल्यू 1 लेंगे और सबका क्या होगा 0। किस में लेना है, यह दिक खोजिए में। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स अक्ष की दिक खोजिए निकालने क्वेश्चन कह रहा है, एक्स का वैल्यू 1 हो गया और क्या हो गया वाई जेड 0 हो गया। इसी तरह से वाई एक्सिस को कहा जाए, उसी तरह से क्वेश्चन क्या कहता है, वाई अक्ष की दिक खोजिए निकालिए। देखिए तो वाई क्या है, बीच में आता है, तो पहले 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा, फिर 0। y x का पूछा है तो x और z क्या हो गया 0 हो जाएगा। जिस एक्सिस का दिक को जिया पूछेगा उसका वैल्यू 1 लीजिएगा और बाकी के बाद क्या हो जाएगा, सभी 0 हो जाएंगे। जैसे देखिए z अक्ष की दिक को जिया कह रहा है, z यहाँ देखिए कितना नंबर में, ट्रिपल नंबर में है, तो x का 0 होगा, y का 0, z का 1। ये समझ में आ गया, ये यदि समझ में आ गया ना तो इसमें एक नंबर फिक्स है, आज के वीडियो में आपको 2 नंबर मिलेंगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन है कि सदिश आई कैप की दिक खोजिया। अच्छा देखिए थोड़ा घुमा दिया, अभी मैंने बोला था एक्स के साथ आई लगता है, वाई के साथ जे लगता है और जेड के साथ क्या लगेगा के कैप लगता है। यहाँ देखिए एक्स अक्ष नहीं बोला, यहाँ क्वेश्चन बोला है आई कैप की दिक खोजिया निकालना है। आई तो एक्स के साथ लगता है, आई का क्या हो जाएगा 1 0 0। और देखिए जे माइनस इस बार है, देखिए माइनस जे कैप की दिक खोजिया, तो माइनस है तो देखिए जे कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे आता है, तो 0 माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस था आई के तो प्लस 1 हुआ, यदि माइनस है जे के इसका दिक को जिया पूछेगा तो क्या होगा 1 माइनस 1 और 0 हो जाएगा। उसी तरह से के का पूछेगा तो निकाल दीजिएगा, यदि के कैप का पूछेगा तो 0 0 0 ये प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन आप देखिए टाइप चेंज हो गया, टाइप चेंज है कि वाई जेड तल का समीकरण। सबसे पहले आप लोगों को यह बात समझ में आना चाहिए कि 3D में कितने पॉइंट होते हैं, या 3 पॉइंट होता है एक्स और वाई जेड। जिसका पूछेगा उसका देखिए क्या होगा, होगा, जिसका नहीं पूछेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
वाई जेड पूछ रहा है, यह क्या पूछ रहा है, वाई जेड तल का समीकरण, एक्स नहीं पूछा है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर आ जाएगा जीरो। क्वेश्चन पूछा है वाई जेड तल का समीकरण, वाई जेड तो है ही, एक्स नहीं है, इसीलिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, जो नहीं है तल में तो उसका वैल्यू जीरो लीजिए। वाई जेड देखिए, वाई जेड है ना, इस बार कौन नहीं है, सॉरी एक्स जेड है, एक्स जेड है, इस बार कौन नहीं है आपका, वाई नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई बराबर जीरो हो जाएगा। उसी तरह से एक्स वाई तल में समीकरण पूछा है, एक्स वाई है, इस बार क्या हो जाएगा, जेड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है सही बच्चे को, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है मूल बिंदु से दूरी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो तुरंत इसका, देखिए आप लोगों को सूत्र पढ़ाए थे, मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है मित्रों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा आप लोग पढ़ के आए होंगे पिछले क्लासेस में, मूल बिंदु का निर्देशांक निकालना है, अंदर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स का मान कितना हो गया, थ्री हो गया, यह हो जाएगा आपका थ्री का स्क्वायर, फोर स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, इस सबको कर दीजिए कितना हो गया, देखिए तो तीन तीन नौ चार चौका सोलह पच्चीस पच्चीस सोलह पच्चीस कितना हो गया इकतालीस, इकतालीस नौ करेंगे कितना हो गया पचास, पचास का वर्गमूल निकालने आता है, पचास का वर्गमूल हो जाएगा फाइव रूट टू, पचास का वर्गमूल कितना होगा फाइव रूट टू। फिर से एक बार समझ लीजिए, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है तो सबसे पहले देखिए फॉर्मूला जानना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, एक्स का वैल्यू थ्री है, सबका स्क्वायर कर दिए, इसको जोड़ दिए, इसका वर्गमूल कितना हो गया फाइव रूट टू। ऑप्शन देखिएगा फाइव रूट टू कहाँ है, उसमें आपको टिक करना है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है एक्स अक्ष से दूरी, समझिए मूल बिंदु से नहीं पूछा है, मूल बिंदु से नहीं पूछा है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन टाइप चेंज हो चुका है 11 नंबर का, पूछा है क्वेश्चन एक्स अक्ष से दूरी, तब देखिए एक्स अक्ष से दूरी लेना है तो एक्स का वैल्यू नहीं लेना है, तब एक्स का वैल्यू नहीं लेना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो अंदर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करेंगे, यदि पूछा है क्वेश्चन एक्स अक्ष से दूरी तो एक्स का वैल्यू नहीं लेना है, तब किसका किसका लेना है वाई और जेड का, तब यहाँ हो जाएगा अंदर रूट फोर स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, इसको जब हम लोग करेंगे चार चौक सोलह पच्चीस पच्चीस, इसको जोड़ेंगे कितना हो गया अंदर रूट इकतालीस, इकतालीस का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए आपका यही तक रह जाएगा, वर्गमूल निकलेगा तो उसको निकाल दीजिएगा, नहीं निकलेगा कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, इसी तरह से हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, यदि आपको समझ में आता है एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।